हेलो फ्रेंड, वेलकम टू एमके गार्डन। तो आप सब कैसे, अच्छे होंगे, ठीक होंगे, मस्त होंगे। बोलने में जो भी गलती हो जाए तो माफ़ करिएगा, पैर छूकर धन्यवाद कर रही हूँ फ्रेंड। तो फ्रेंड, आज मैं आप लोगों से खास बात करने वाली हूँ जेड प्लान को लेकर। तो आप वीडियो को पूरी वॉच करिएगा और वीडियो को पूरी देखिएगा फ्रेंड। तो मैं आप लोगों से एक बात पहले बता दूँ फ्रेंड, कि कल रात में मेरे चैनल में कोई छेड़खानी कर रहा था फ्रेंड। पता नहीं कोई मेरा चैनल हैंग करने की कोशिश कर रहा था फ्रेंड, लेकिन हो नहीं पाया। माता जी ने बचा लिया, मेरी सदगुरु माँ, मेरे भगवान ने बचा लिया। नहीं फ्रेंड, पता नहीं वो हैंग कर लेता तो क्या करता, पता नहीं कौन है। तो मैं आप लोगों से यही कहना चाहती हूँ कि आप सभी मेहनत करिए, मेहनत का फल भगवान देता है, मेहनत का फल भगवान देता है। तो प्लीज़, जैसे भाई भी वीडियो बना रहे हैं, बहनें भी बना रही हैं फ्रेंड, तो उन देखिए कितनी मेहनत करके, बहनें सोचे कितनी मेहनत करके वीडियो बनाती हैं। वो अपना घर का काम भी करती हैं, प्लस वीडियो भी बनाती हैं, प्लस अपना गार्डन संभालती हैं, प्लस अपने बच्चे अपना घर संभालती हैं। भाई भी मेहनत करते हैं, जितने भी भाई बनाते हैं वीडियो वो भी बेचारे बहुत मेहनत करते हैं। अब फ्रेंड पता नहीं कहाँ कहाँ से हम प्लांट लेकर आते हैं, कितनी सेवा करते हैं, कितनी मेहनत करने के बाद एक एक प्लांट लगाते हैं। जो प्लांट लगाते हैं, गार्डनिंग करते हैं, उनके दिल से पूछो कितनी मेहनत करनी पड़ती है, आप लोग बताइएगा। तो पता नहीं फ्रेंड, मेरे चैनल में किसी ने कल छेड़खानी कर रही थी, तो मैसेज आया था, लेकिन मेरा उसी वक्त मेरा डाटा ख़त्म हो गया था, तो मैं कुछ नहीं कर पाई। तो फिर उसके बाद सुबह जब मैंने देखा तो मेरा चैनल नहीं था, गोल था, फिर मैंने लॉगिन किया। तो प्लीज़, मैं आप लोगों से हाथ जोड़ के कह रही हूँ कि जो भी हो, भाई हो, बहन हो, प्लीज़ किसी के भी चैनल में ऐसा कोई छेड़खानी ना करे, क्योंकि मेहनत सभी करते हैं। अगर जो कोई कर रहा है तो मेरे वीडियो देखे, तो प्लीज़ आप जैसी भी वीडियो बना रहे हैं आप मेहनत करिए, भगवान सभी को सफलता देगा। किसी न किसी दिन भगवान सबकी मेहनत में सफलता देगा। तो प्लीज़ आप लोगों से हाथ जोड़ के निवेदन है कि मुझ गरीब पर ऐसा कोई वो ना करिए कि मैं जीते जी मर जाऊँ, क्योंकि मेरा यही एक सहारा है जो मैं वीडियो बना के डाल देती हूँ, और मेरा कोई सहारा भी नहीं है। इसी में अपना लगी रहती हूँ, एक एक प्लांट लाती हूँ, किस मुसीबत से कहाँ से पैसे जुटा करके वो मैं ही जानती हूँ, कैसे कैसे एक एक रुपए जोड़ करके मैं एक एक प्लांट लेकर आती हूँ, वो मेरा दिल ही जानता है और मेरा भगवान जानता है, बाकी कोई नहीं जानता। तो प्लीज़ आप लोग ऐसा कुछ ना करें जिससे मुझे बहुत परेशान होना पड़े या मैं कुछ करूँ। तो प्लीज़ आप लोग मेरे चैनल में छेड़खानी ना करें। मैं अपना खुद का कंटेक्ट डालती हूँ, अपनी आवाज़ में अपनी वीडियो डालती हूँ, अपने गार्डन दिखाती हूँ। मैं किसी का कोई कोई कॉपी ना किसी के वीडियो कुछ नहीं लेती, सिर्फ अपना डालती हूँ। तो आप लोग भी अपना ही डालें, किसी के चैनल में कोई भी छेड़खानी ना करें। अब आप देख लीजिए, अभी 11 बज रहे हैं, मैं धूप में वीडियो बना रही हूँ, क्योंकि अभी मैं सत्संग भवन से आई हूँ, हम निरंकारी मिशन से जुड़े हैं। तो प्लीज़ आप लोग ऐसा कुछ ना करिए मेरे चैनल में। मेरी माँ ने बचा लिया है, अब मेरी सदगुरु माँ ने मेरा चैनल बचा लिया है, आज नहीं पता नहीं क्या हो जाता। तो चलिए, मैं अब आप लोगों से हाथ जोड़ के विनती कर रही हूँ कि सभी मेहनत करते हैं तो भगवान सभी को तरक्की देगा, और मेरी माँ पर भरोसा है, मेरी माँ भी मुझे किसी न किसी दिन सफलता देगी, क्योंकि मैं भी बहुत मेहनत करके भी वीडियो बनाती हूँ, मेरा दिल ही जानता है मैं कैसे कैसे करके वीडियो बनाती हूँ। जो भी मेरा वीडियो देख रहा है आज ना, ये मेरा वीडियो पूरा देखे। तो चलिए, मैं आप लोगों को अब बता दे रही हूँ कुछ काम की बात जेड प्लांट को लेकर के। तो चलिए, वीडियो को आप लोग देखिएगा, मैं जेड प्लांट के बारे में बता दूँगी, फिर जाऊँगी ना तो फिर मैं खाना बनाऊँगी। अभी मेरा खाना कुछ नहीं बना, और ना मैंने भी एक अभी खाना की एक रोटी तक नहीं खाई है, कौर नहीं खाया रोटी के बाद, छोड़िए। और अभी 11 बज रहे हैं और मैंने भी एक कौर नहीं खाया। तो चलिए, मैं आप लोगों को वीडियो बना करके जेड प्लांट के बारे में बता दूँ फ्रेंड। ये है मेरा जेड प्लांट, और मैं जब नर्सरी से लाई थी तो एकदम छोटा लेकर आई थी, उससे मैंने कई सारे बना लिया है। जब मैं छोटा इतना लेकर आई थी 25 रुपये में फ्रेंड, इतना ही लेकर आई थी। आज मैंने इससे देखिए मेरा कितना घना और कितना बड़ा जेड प्लांट हो गया है, और इससे मैंने कितने सारे बना लिए। एक तो ये है, एक मेरा ये बन चुका है, देख सकते हैं आप, एक ये बन गया, एक वो देखिए वो, मैंने ये सारी मैंने कटिंग लगाई है, एक ये है, एक ये है, एक मैंने इसमें लगाया हुआ है। आप इसको जितने छोटे पॉट में लगाएंगे उसमें भी हो जाता है। एक ये है, देख सकते हैं, इसमें मैंने इसको कुछ बनाने का आकार सोच रही हूँ, थोड़ी जैसे जैसे ग्रो हो गए तो मैं इस तरह से इसको बनाऊँगी, ऐसे ऐसे सेट करके। एक ये है फ्रेंड, और देखिए कितनी छोटी सी ये चूड़ी में भी लगा हुआ है, देख सकते हैं आप, यकीन नहीं करेंगे आप, इसको जितने छोटे पॉट में लगा देंगे ना उतने छोटे पॉट में हो जाएगा। देखिए, ये अभी कुछ ही दिन पहले ये कटिंग लगाई थी, एक ये लगा हुआ है, एक इसमें मैंने लगा दिया है। सभी को मैं कोई ना कोई इनसे आकार देना चाहती हूँ, अब ये कटिंग कर करके इनका आकार बनाना फ्रेंड। और देखिए, बोतल में लगाई हूँ तो कितना ज़्यादा ग्रो किया हुआ है, बोतल का भी कितना ज़्यादा ग्रोथ में है फ्रेंड।
तो आप लोग अगर आपके पास जड़ प्लांट है तो आप इसकी छोटी सी भी कटिंग लेके ना आप जहाँ भी लगा देंगे ये तुरंत ग्रो हो जाता है और बहुत ज़्यादा घना भी हो जाता है। देख सकते हैं एक मेरा ये लगा है, अभी 2 दिन पहले भी लगाया हो, एक मैंने कटिंग वहाँ पर लगाई हुई है। तो मैं इस तरह से कटिंग लगाती रहती हूँ, तो फ्रेंड इसी तरह से आप भी कटिंग लगाएं और अपने जेड प्लांट को घना बनाएं। और फ्रेंड जेड प्लांट की ज़्यादा कोई केयर करने की ज़रूरत नहीं, ना ज़्यादा इसकी ना केयर करने की ज़रूरत है और ना ही ज़्यादा, बस इसमें ज़्यादा वाटरिंग ना करें फ्रेंड, और ना इसको ज़्यादा मतलब धूप पसंद है पर ज़्यादा धूप में ना रखें, और जब गर्मी बहुत ज़्यादा हो कड़ाके की तब थोड़ा सा इसको अंदर कर लेने तो इसकी पत्तियाँ पीली पड़ने लगती हैं। बाकी क्या कहते हैं फ्रेंड, इसको धूप पसंद है और ज़्यादा पानी ना करें और बस फ्रेंड, और इसमें ज़्यादा कोई खाद वाद देने की ज़रूरत नहीं है। ये थोड़े से केयर में खूब ज़्यादा हो जाता है, लेकिन हाँ फिलहाल आपको बहुत ज़्यादा घना इसको करना है तो उसके लिए मैं आप लोगों को एक टिप्स बता दे रही हूँ। ये फ्रेंड कॉफ़ी पाउडर देख सकते हैं आप, 5 रुपए का मिलता है फ्रेंड। तो आप लोगों को इसको क्या करना है, क्योंकि इसमें से ना सारे जितने भी तत्व इसमें पाए जाते हैं पौष्टिक, तो आप लोगों को इसको फाड़ करके थोड़ी सी घोल बना लेना है और अपने जेट प्लांट में डाल देना फ्रेंड। तो मैं आप लोगों को दिखा दे रही हूँ पानी में, जैसे ये मेरा है और इसमें से देखिए मैं इसको इस तरह से डाल के 1 चम्मच के लगभग आपको डाल लेना है। उसके बाद इसको आप हिला देना है और इसमें पानी और मिला करके इसे अपने प्लांटों में डालना है फ्रेंड। देख सकते हैं पानी का कलर भी चेंज हो गया है, और बस आप इसको जेड प्लांट में डाल सकते हैं तो आपका जेड प्लांट घना बनेगा और पत्तियां भी चमकदार होंगी। देखिए मेरी पत्तियां भी चमकीली हैं और देखिए कितना खूबसूरत लग रहा है, कितना अच्छा लग रहा है फ्रेंड, ये पेड़ की तरह बन जाता है, बहुत खूबसूरत लग रहा है फ्रेंड। और देख लीजिए इतनी धूप में मैं वीडियो बना रही हूँ, 11 बज रहे हैं फ्रेंड। तो इसको डाल देना है आपको। अब बाकी और भी प्लांट है, जैसे आपके गुड़हल मोगरा फ्लावर नहीं आ रहे हैं तो आप लोगों को चाय की पत्ती थोड़ी सी डाल देनी है फ्रेंड, भर भर के फ्लावर आएंगे, आप तोड़ते तोड़ते थक जाओगे, फ्लावर ही फ्लावर आएंगे फ्रेंड। तो ये मेरी टिप्स हैं, आप लोग ज़रूर फॉलो करें। अब मुझे जो नॉलेज होता है मैं वीडियो में वही दिखाती हूँ फ्रेंड, और आप लोग देखते हैं ना लोग किस तरह से यूट्यूब में भद्दी गंदी वीडियो बनाते हैं, तो उनका कोई नहीं कुछ करता, जो कोई अपना मेहनत करके कुछ करने की कोशिश करता है ना उसके पीछे कोई ना कोई लग ही जाता है, पता नहीं कैसे क्या मैं। तो प्लीज़ आप लोग मेरे चैनल को सपोर्ट करें, आप लोगों से हाथ जोड़ के निवेदन है, विनती है, प्रार्थना है कि प्लीज़ आप लोग सपोर्ट करिए, मुझे भी आगे बढ़ाइए, सभी आगे बढ़ें। तो मैं आप लोगों को दिखा दूँ कि इसको डालना कैसे है। तो देख सकते फ्रेंड ये इस तरह से आपको थोड़ा थोड़ा करके सभी में डाल देना है, इस तरह से देखिए जैसे मैं डाल रही हूँ तो इस तरह से आपको डाल देना फ्रेंड। वैसे मैंने पानी सुबह डाल दिया था तो मैं आप लोगों को बताने के लिए ये इस्तेमाल किया है। तो प्लीज़ अगर आप लोगों को ज़्यादा घना बनाना है अपने जेड प्लांट को तो आप लोग ये तरीका ज़रूर अपनाएं, और हाँ थोड़ा बहुत जब गुड़ाई करें, लेकिन अभी नहीं, हाँ ठंडियों में आप गोबर की थोड़ी सी खाद आप डाल सकते हैं, गोबर का वर्मी कंपोस्ट को गुड़ाई करके आप थोड़ी सी मिट्टी मिला सकते हैं। बाकी अभी कुछ देने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि गर्मियों में ना ठंडा ठंडा फर्टिलाइज़र ही डालिए अपने प्लांट में, गर्म चीज़ कुछ ना डालें, क्योंकि गर्म चीज़ डालेंगे तो आपका प्लांट ख़राब हो जाएगा, जल जाएगा। इसके लिए आप ठंडी गर्मी में कोई गर्म चीज़ ना डाल करके ठंडी ठंडी चीज़ें इस्तेमाल करें, और एक बात का ध्यान रखें अपने प्लांटों को एक बार ज़रूर नहलाएँ, शाम के टाइम हो या 7-8 बजे रात में अपने प्लांटों को नहला दें, या सुबह सुबह 5-6 बजे के लगभग नहला दें, क्योंकि दिन में धूप में अपने प्लांटों में पानी बिल्कुल ना डालें, क्योंकि उनको शॉर्ट लग सकता है, क्योंकि हवा भी गर्म लू चलती है और धूप भी बहुत तेज निकलती है, इसकी वजह से अपने प्लांट को शॉर्ट लग सकता है, इसलिए दोपहर में पानी ना डालें। और मेरी वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। बाय बाय, लव माय गार्डन, लव माय फ्रेंड। तो प्लीज़ आप लोग सपोर्ट करिए, आप लोगों से निवेदन है, और हाँ किसी के चैनल में कोई भी छेड़खानी ना करें, क्योंकि सभी अपना कंटेंट डालते हैं और मेहनत बहुत करते हैं। तो बाय बाय, लव यू।